आज की रेसिपी है पाव भाजी। पाव भाजी के लिए मैंने देखिए सारा मिक्स वेज ले आके धोया है काट के, उसमें मैंने दो ग्रीन चिल्ली डाला, एक टमाटर भी डाला है। इसको मैं दो एक सीटी लगाऊंगी कुकर में, उसके बाद फिर हम आगे से बनाएंगे। देखिए हमारा मिक्स वेज उबाल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने एक सीटी लगाया था कुकर में, तो अभी चलिए हम इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रखा है, उसमें मैं बटर डालूंगी। हम जब भी पाव भाजी बनाए बटर में ही बनाते हैं, तो बटर में बहुत टेस्टी होता है खाने को। तो जब भी पाव भाजी आप बनाए बटर में बना ले। देखिए मैंने इतना बटर डाला है, देखिए हमारा बटर हो गया। मैं थोड़ा जीरा डाल रही हूँ और मैंने एक प्याज बारीक बारीक काटा था, हम ये डालेंगे इसमें। थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे, फूल तो हम भून लेते हैं, ज़्यादा रेत नहीं करना इसको, क्योंकि इस तरह पाव भाजी बनाएंगे तो बहुत खाने में टेस्टी होता है। बच्चों को भी हम दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, तो हम बस पाव भाजी बना के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या सब्जी डाला है। बस इसमें अभी मैं जो सब्जी उबाल के रखा है इसको मैं डालूँगी। देखिए हमारा प्याज हो चुका है, अभी मैं ये जो मिक्स वेज सब्जी है मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा, कोई कोई तो थोड़ा ग्राइंड भी करते हैं, तो ग्राइंड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा इस तरह से इसको दबाएंगे, तो इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए इस तरह मैंने सारा ये इसको मसाला है, अभी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये इसमें सब मटर भी डालते हैं, मैंने मटर डाला नहीं। जब भी आपको मटर पसंद हो तो मटर उबालते समय मटर भी आप में इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को इतना पसंद नहीं है तो मैंने डाला नहीं है। कुछ भी सब्जी आप ये डाल सकते हैं इसमें, कोई भी आपको सब्जी पसंद है वो सब्जी आप डालें। अभी मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करती हूँ, थोड़ा सा हाफ टी स्पून में गरम मसाला डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली भी डाला था, वो चिल्ली अपने हिसाब से आप डालें। थोड़ा सा डालती हूँ रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि इसका कलर आ जाता है जब रेड चिल्ली डालते हैं तो। उसके बाद हम डालेंगे ये जो पाव भाजी मसाला है, बाज़ार में कहीं भी आपको मिल जाएगा, आप पैकेट का मिलता है आप ले सकते हैं, अच्छे कंपनी के MTH का अच्छा होता है, तो आप इसको ले आए। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, ये थोड़ा सा पानी है इसमें, तो ये पानी थोड़ा सा सूख जाएगा। देखिए हमारा पाव भाजी बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, अपने हिसाब से आप सॉल्ट डालें। थोड़ा सा इसमें और बटर डालेंगे हम, थोड़ा मैं डालूँगी कस्तूरी मेथी, इसका खुशबू थोड़ा अलग से आता है, तो खाने में बहुत टेस्टी होता है, मज़ा आता है। इसको बस हम मिक्स करेंगे, बस हमारा पाव ये भाजी, अब हम भाजी रेडी है। अभी हम इसमें अभी पाव गरम कर लेते हैं, तो इसके साथ फिर हम सर्व करेंगे। अभी इस तरह ज़रूर बनाएं। अभी हम हमारा पाव भाजी रेडी है, तो बन हम सेकेंगे भाजी के साथ खाने के लिए। मैंने एक तवा लिया हुआ है, अभी इसमें थोड़ा हम बटर लगाएंगे हल्का सा, देखिए बन मैंने इस तरह से तवा में सारे डाले हैं, एक एक तरफ करके थोड़ा सा हम गरम करेंगे इनको। मैंने ये प्लेन वाला बन लिया है, आप वो सीट वाला बन भी ले सकते हैं, आपको जौन सा पसंद है वो वाला बन यूज करें। अभी थोड़ा सा हम इसको सेकेंगे, उसके बाद हम गर्मा गर्म इसको परोसेंगे, क्योंकि मेरा रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को आप लाइक करें, मेरे चैनल अगर आप नया है तो सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए हमारे बन बिल्कुल रेडी है, देखिए हमारा पाव भाजी बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसके ऊपर से हम बटर डाल लेते हैं पाव भाजी में, और साथ में मैंने नींबू पहले नहीं डाला था, किसी को खट्टा पसंद ज़्यादा पसंद होता है किसी को नहीं होता, इसीलिए मैं नींबू साथ में रख रही हूँ, जिसको पसंद है वो नींबू डाल के गर्मा गर्म खाए।
चलो आपको भी मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।